के जिंदा लाश हाथ हाथ में के अपन साइज से सूर्य दिखा होता इधर हम ओ भाई अगर आप झारखंड को हो तो तमाशीन वाटरफॉल का नाम सुना ही होंगे और नहीं सुनेंगे आज देख भी लो जान भी लो और उसके बारे में बहुत भयंकर चीज जान लो। इसकी सुंदरता इतनी कमाल की थी बिना सोचे समझे हम लोग देखने के लिए निकल गए थे जैसा कि यूट्यूब में वीडियो में देखा था। घर से निकल के तो तमाशीन के रास्ते पे पहुंच गए थे हम लोग और तमाशीन के जस्ट सामने उतर गए। यहाँ पे नज़ारा देखते हैं तो कुछ सूखा सूखा दिखाई देता है, लोग काफ़ी कम रहते हैं, गर्मी बहुत तेज रहती है और बिना वाटर बोतल वगैरह लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ सामने में 50 रुपये का टिकट देते हुए हम लोग नीचे की ओर जाने लगते हैं जहाँ पे वाटरफॉल होता है एक्चुअल में, और इसके बाद की जो कहानी होती है वहाँ से आप खुद ही देखिए क्या हुआ है और क्या नहीं। हाँ गिरबो मोबाइल ले को बटे हमको मोबाइल धरा है ने बहुत भारी गढ़ा है ऊंचा में तो आ गया पहाड़ पर्वत बाप रे अरे लौड़ा देख तो रे ना देखा नीचे भैया भाग पूरा रिक्सी है महफिल में आगे अरे बापा बहुत नीचे हो हाँ देख बाबा ये पूरा जाना थे हॉलीवुड वाला सीन लागा था गिरली और निपटली वाला सीन हाँ ये बरसात के नहीं लागो लेकिन यह रूटे हो तो क्या उपाय हो गोरा अरे बाप रे तो पूरा खतरनाक वाला बाप रे बाप भाई डर से तो महफिल पूरा गर्म हो गया है। पूजा हो ला हाँ मंदिर हो का अरे बाप रे कौन धने पैसा लेते दे था। ओ, पैसा से लेके दे ले तू कोई फ्री फोकट में नहीं बाबा ना तो गांव में किया लेकिन पैसा ले ले बाबा मुड़ी के पैसा कितना लेते 200 ओ भाई देख शॉर्टकट अपना हाथ तक है भाई पूरा मतलब ना इतना भयंकर हाउ ना ये तो नकटा हिल के भी फेल कर दे लोग और के कहोले ए आराम से आराम से आराम से ये वाला डाल दो रानी शॉट में हम वन भी ले लियो आ जाओ अपन अपन जिधर से भी आओ लेकिन सेफ आओ आ जा लड़के यहाँ जाते तो हम किसी जा पा रहे कहीं के कहाँ बात कर रहे हैं साले तुम देख रहे हो ना गाइस ऊला जो सुबह वाला मौसम ना सुनना अभी देखना गौरव ये रस्सी है फिलहाल ये रस्सी एक्चुअली सपोर्टर है ये समझे क्या बोलना आपके थके में लगा खैर अपनी अपनी सुविधा के हिसाब इसका यूज होता है। यहाँ का सीन देख रहे हैं आप लोग ये पत्थर पूरा कटा हुआ है और अभी यहाँ सामने पूजा होता हुआ है और आप लोग जैसा देख भी रहे हैं यहाँ बकरा पट्टा सबका बलि भी दिया जाता है और हम लोग यहाँ पूरा गर्मी से हम लोग तहस नहस हो गए उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं घूमने फिरने की और देख रहे हो हाथ तेरा चेहरा खैर क्या है बता दे ये थोड़ी सी बालू यहाँ का नज़ारा देखिए आप लोग को ओ भाई सामने से देखने का मज़ा है उसका बात ही कुछ और है और थोड़ी सी पानी गंदी पानी है पूरे देख रहे हो इधर और ये पत्थर के बनावट देख रहे हो आप काफ़ी कमाल का है कुछ यही नज़ारा था जो कि यूट्यूब में दिखाया जाता है और इधर जो नज़ारा दिख रहा है यही फॉल है सामने में
और यहाँ फिलहाल पूरा सूखा पड़ा हुआ है, खाली नीचे में दो थोड़ा सा पानी जमा हुआ है वो है, और चारों तरफ यहाँ का झरने का पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। एक लेयर फर्स्ट स्टेप वहाँ पे आती है, उसके बाद एक और स्टेप है नीचे, इसको छोटा कर देता हूँ। एक स्टेप यहाँ एक्चुअल में बहुत ऊँचा है, बड़ा है, सेकेंड स्टेप ये है, उसके बाद यहाँ से पानी, और यहाँ से जो पानी बहती है ओ भाई देख रहे हो, हम लोग काफ़ी ऊपर से नीचे आ चुके हैं, और यहाँ कुछ तो इधर से हम लोग ऐसे ऐसे करके यहाँ जाएंगे, और वहाँ का नज़ारा फिर देखें हम लोग कैसा लगता है, और कोशिश करेंगे ऊपर की ओर जाने का। फिर चलिए देखते हैं वहाँ का नज़ारा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, मतलब द एंड वो पानी मिल गया बीच में, और उस साइड जाने के लिए हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा है। अब कैसे जाएँ हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, और हम लोग को जाने उतना ऊंचा है ऊपर से, एक्चुअली नज़ारा व्यू इधर का देखना चाहते हैं कि कैसा है इस साइड का। तो चलिए अब जाते हैं, कोशिश करते हैं जाने के बाद, देखते हैं कैसे जाते हैं, रास्ता अपनाते हैं कुछ और तरीका, मतलब झारखंडी तरीका। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं यही है फॉल, और यहाँ का फॉल से नीचे का गिरते हुआ पानी यहाँ एक स्टेप में, जो कि काफ़ी गड्ढा है, और इसके बाद इधर से ये जाते हुए एक यहाँ सामने और फॉल है, उसके बाद पूरा उधर रास्ता, उसको हम लोग दिखाएंगे बाद में। फिलहाल यहाँ कुछ कुछ फ़ोटो लेते हैं और जूम करते हैं, देखिए कितना भयंकर है ये। अरे तो आगे इस जगह से इसे जा सके, हाँ ठीक हो, डन करो, हम आपके साथ हैं हुजूर। तो लोग ब्लॉक में पूरा आ रही, तड़पते उड़पते पूरा देख ली। और इधर फिलहाल मैं हाँ मैं छतरावो लागत हो, वह हम भी कहती हो तुम कहा लाग लो कि वो चढ़ जा रहा है। ठीक है उतरो आ दिल। इधर का सीन और इधर का सीन भाई काफी कमाल का है, और इधर मैं भी हालत खराब है भाई, सच होता है आप देख रहे बहुत खतर। अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ कुछ वैसा खास लगा नहीं, हालांकि मानसून आ जाएगी तो बारिश गिरेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये लोग भी साथ में जाते हुए थक गए हैं, और जो सोच के आए थे वो तो हुआ कुछ नहीं, नहाने धोने का पूरा सूखा हुआ एक्चुअल में। तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण हम लोग रहना मुश्किल हो रहा है, जो पत्थर पूरा हीट मार रहा है ऊपर से, पसीना से पूरा आग बुल्ला हो चुका है, और जितना जल्दी होता हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और जाते हैं ऊपर, उसके बाद नहाने के लिए कहीं और। हमें पानी की प्यास इतनी तेज लगी थी कि इन भाइयों ने पिकनिक के लिए आए थे अपने, तो उन लोगों को पानी पी के हम लोग को काफ़ी राहत आया, और इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग प्यासे लग रहे थे कि मर जाएंगे, जो पिला के हम लोग को काफ़ी मदद। हालत खराब इतनी गर्मी में, बताना भाई सब मौसम आ जाना गर्मी में, ऊपर की ओर चढ़ते हुए भारी महफिल में देख रहे हो गाइस, अभी थोड़ा ही दूर आए हुए हैं और अभी बहुत ऊपर जानी है, मरवानी है समझ लो, देख रहे हैं हार्ट धड़ा करो हार्ट धड़ा करो, ये जिंदा लाश हाथ धड़ा करो के अपन साइज से सूर्य दिखा होता है। और इधर हम ओ भाई हालत खराब देख रहा हूँ नज़ारा, दिन में भी अंधेरा हो चुका है हमारी जिंदगी। फिलहाल एक इधर है एक वहाँ मेरे पास बैठा हुआ है, और एक इधर बैठ रहा है, एक्चुअल में बैठे इसलिए हैं क्योंकि थक कचूर बोलते हैं ना वो हो चुके हैं, और आप लोग देख रहे हैं कितना नीचे से, एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है
लेकिन यहाँ एक्चुअल में आओगे ना हालत ख़राब हो जाएगा। और इस तरह के डिस्कवरी चैनल वाले जो रास्ता है, चार बार हाँ, और अभी जितना दूर हम लोग आए हैं उससे चार गुना ऊपर है, तो सोचिए क्या हाल होगा। और यहाँ हम लोग लगभग 15 मिनट से बैठे हुए हैं, थोड़ा मौसम सही होगा, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, तब ऊपर की ओर जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ आने से पहले आप लोग भी एक बार सोच लीजिएगा, उतरने से पहले सोच लीजिएगा, और चाहे उतरने के बाद चढ़ने का पूरा कोशिश करिएगा। देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक उधर है, मतलब कि कुछ कह नहीं सकते, इतनी हालत ख़राब है। और अभी भी बहुत ऊपर जाना है, घर देखते हैं आगे पहुँचे क्या होता है। सब घर के और निकल रहे हैं भाई, यहाँ से हालत ख़राब, कुछ और फल के और बढ़ते हैं, इससे अब टाटा वगैरह करते हैं। तमाशीन में है हम लोग फिलहाल, नज़ारा कुछ कुछ खाने के लिए मिल सकते हैं।